दोस्तों, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुआ होती तो शायद ही मेरे ख्याल से आज के टाइम पे थार को इंडियन मार्केट पे देखने को ना मिलती होगी। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? तो अगर आप थार के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए जान लेते हैं इस इंडियन छोटा डन के बारे में। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना एंड किसी को बिना बताए हुए चैनल का फर्स्ट से सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था साल 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि 6 इयर्स इसका ड्यूरेशन था। एंड दोस्तों, यही कारण चलते महेंद्र की थर्ड सेगमेंट का प्रकट हुआ था, क्योंकि ये युद्ध जब एक्सट्रीम लेवल में पहुंच गया था तब अमेरिकन सोल्डर्स को वॉर बैटल में भेजने के लिए बेसिकली फाइटर प्लेन एंड आर्मी ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ता था। बट दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम था, एक तो साइज में मैसिव होता था एंड बहुत ही बड़ा था एंड इसी कारण चलते सब जगह में ये नहीं घुस सकते थे। एंड सेकंड रीजन जो था वो था काफी मेजर था, क्योंकि ऑयल कैपेसिटी के कारण महंगा खर्चा भी होता था। एंड यही सब कारण चलते हुए अमेरिकन को एक कॉम्पैक्ट वैल्यू फॉर मनी एंड लाइट वेट होने के साथ साथ कम फ्यूल इस्तेमाल करना मजबूत व्हीकल का जरूरत पड़ी थी। एंड दूसरा कारण ये भी था कि एक्सट्रीम कंडीशन में इस व्हीकल का फाइटर जेट से सीधा वॉर बैटल में लैंडिंग किया जाए, ऐसा होना भी बेहद जरूरी था। अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अमेरिकन सोल्डर्स एंड उनकी कमांडर ऑफिसर ने मिलकर उनके देश का 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से धमदार शानदार धमाकेदार बेहद मजबूत फोर व्हील ड्राइव कैपेसिटी के साथ एक प्रोटोटाइप कार मॉडल को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन दोस्तों, इसमें कंडीशन भी उन्होंने दिया था जो कि था सिर्फ 49 दिन का उन्होंने वक्त दिया था, जो कि काफी टफ कंपटीशन क्रिएट हो गई थी। एंड 150 कंपनी में सिर्फ वैसे 2 कंपनी थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। बैंटमैन एंड विलिस ओवरलैंड ने सेना के लिए बेटा प्रोटोटाइप की खोज में कामयाब रहे थे। हालांकि विलिस ओवरलैंड ने इसको कंप्लीट करने के लिए अमेरिकन सोल्डर्स से थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम लेने के प्रस्ताव भी रखा था, बट अमेरिकन फोर्स ने उनको एक्स्ट्रा टाइम देने से सिर्फ इनकार कर दिया था। एंड वही पे बैंटम कंपनी की अगर बात करें तो वो सिर्फ 49 दिन के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक वर्किंग प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। खुशकिस्मती से फोर्स को ये कार का डिजाइन बेहद पसंद आ गया था। बट दोस्तों, बैंटम उस समय पे बहुत ही छोटा ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ करती थी एंड इसी कारण चलते हुए ना तो उनके पास कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था एंड ना ही बहुत सारे एम्प्लॉयज भी उनके पास मौजूद थे। एंड वो अमेरिकन फोर्स के मुताबिक टाइम टाइम पे प्रोडक्शन लाइनअप को पूरा नहीं कर सके, इसलिए फोर्स अथॉरिटी ने बैंटम के ये डिजाइन फोर्ट और विल्मिसली ये दोनों बड़े कंपनीज को दायभार सौंप दिया था। एंड उनको ये कहा गया था कि ये दो डिजाइन को अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन कस्टमाइज इट, यानी कि अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से ये दो मॉडल को शोकेस भी कर सकते हैं। और फिर क्या, कुछ दिन के अंदर ही ये दोनों ब्रांड अमेरिकन फोर्स के लिए अपना अपना एक वर्सन को पेश किए थे, जिन्हें बारीकी से जांच करने के बाद से विलियम्स के वर्सन को इस कार का स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार के लिए फाइनल डिजाइन चुना गया था, जो कि विलिस के बनाया गया लास्ट फाइनल प्रोटोटाइप को देखकर इसको चुना गया था। एंड इस मॉडल का लीगल राइट सिर्फ विलिस कंपनी के नाम पर ही रखा गया था। एंड यही कारण चलते हुए पहली बार विलिस कंपनी ने ट्रेडमार्क के स्लोगन जीप नाम से रखने की फैसला सोचे थे एंड उनके कार्स को ओएलएक्स जीप ऑफिशियली तौर पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। एंड यही से वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फेमस फोर व्हील ड्राइव वाले जीप की शुरुआत हुई थी, जो कि बाद में पूरी दुनिया में अपना एक अलग पहचान हासिल की थी। ये गाड़ी गड्ढे उबर खबर हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ही आसानी से चल सकती थी एंड इसका मजबूत बॉडी के साथ साथ पावरफुल भारी छोटे साइज के इतने क्लियर लुक के कोई भी व्हीकल अगर पहली बार कोई भी देखता था तो उस समय पे वो तो इसका दीवाना बनकर ही रहते थे। एंड यही कारण चलते हुए जीप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक अहम हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट्स पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किए गए जीप के टोटल 6.5 लाख यूनिट्स अब तक यूज किए गए एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जब तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब तक के लिए ये गाड़ी काफी डिमांड में हुआ करती थी, बट आफ्टर एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस कार के डिमांड भी अचानक से पूरी तरीके से गिरना शुरू हो गया था एंड आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि खत्म जैसे हो गई थी। फिर अमेरिकन सोल्डर्स ने भी इस कार को खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर जरूरत नहीं होंगे तो खरीदेंगे क्यों। इस घटे के सिचुएशन से निकालने के लिए ये कंपनी जीप को आम लोगों के अंदर बेचने के भी प्रयास की थी, बट जो सफलता विश्व युद्ध में मैदान में इस कार को मिली थी वो सफलता आम लोगों के अंदर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिली एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये भी था क्योंकि इस कार को वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्डर्स द्वारा यूज किए गए थे एंड इसी कारण चलते कोई भी सिंगल पर्सन एक नॉर्मल डेली लाइफ के लिए यूज होने वाला कार के रूप में इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। कुछ साल तक तो इस कंपनी जस्ट
कुछ किसी प्रकार से सर्वाइव कर रहे थे, बट सेल्स फिगर पे लगातार इम्पैक्ट आने से कंपनी का हालत और भी बुरी तरीके से बिगड़ गई थी। एंड एक साल के अंदर कंपनी ने कंगाल के कंगार पर पहुंच गई थी। एंड दोस्तों यही टाइम था महिंद्रा के लिए एक नई दिशाओं की ओर चलने के लिए। इसी टाइम पे महिंद्रा के फाउंडर यानी कि जेसी और एसी ने विलेन की तरह एंट्री मारी थी। दरअसल केसी महिंद्रा अपने यंगर एज में अमेरिका में टाइम स्पेंड करते थे एंड उसी समय पे उन्होंने अमेरिका पे जीप की कई सारे व्हीकल्स को सड़क पर पहली बार देखी थी। एंड इसको देखने के बाद उन्होंने इतना ज्यादा इस कार को देखकर इंप्रेस हुई थी कि उन्होंने इस समय पे इस कार को भारत में लाने के लिए फैसला भी तय कर लिया था। एंड इसी कारण चलते हुए महिंद्रा ब्रदर्स ने तुरंत अमेरिका में पहुंच गई थी एंड विलिस कंपनी को उन्होंने अप्रोच किया था। पहली बार ये दो कंपनी मिलकर जीप का CG2A मॉडल को इंडिया पे लॉन्च करने के लिए एक डील साइन की थी। साल 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को पहली बार भारत में लेकर आए। हालांकि ये जीप के एवरेज प्राइस वाला कार थी, लेकिन फिर भी इस कार का प्राइस इतना कम भी नहीं था कि भारत में हम लोग उस टाइम पे इस कार को अफोर्ड कर सके। एंड इसलिए स्टार्टिंग पे भारत में कुछ खास चमत्कारी नहीं दिखा पाई, बट इंडियन के अंदर हमेशा से जज्बत भरी हुई थी। एंड महिंद्रा ने भी चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, बट इस सेगमेंट बुरी तरीके से फेल हो गई थी। एंड फेलियर के बाद 60 के दशक पे महिंद्रा ने ओएलएच कंपनी के साथ और एक डील असाइन किए थे, जहां पे जीप के SJ3 मॉडल का भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस को प्राप्त किया था। दोस्तों इससे ये फायदा हुआ था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के कारण चलते हुए प्राइस पहले से और भी कम हो गई थी। साथ ही साथ महिंद्रा ने जीप के अंदर इंडियंस के डिमांड को देखते हुए कुछ बुनियादी बदलाव भी किए थे। जो पहला बेसिक चेंजेस उन्होंने करे थे वो था इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे उन्होंने स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड को रिप्लेस किया था, जो कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ करती थी। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइविंग के कारण इंडिया में बहुत सारे कार्स लवर्स इस चीज का अप्रिशिएट नहीं करते थे। इसके अलावा इसके डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया था एंड हम इंडियन लोगों को तो डीजल से इतना ज्यादा प्यार है कि जिसका कोई हद नहीं है। सो टाइम टाइम पे कस्टमर्स के फीडबैक को लेकर कई सारे बदलाव महिंद्रा ने जीप में करते रहते थे। यही कारण चलते हुए जीप का इतना ज्यादा पॉपुलरिटी इंडिया में हो गई थी जिसका कोई हद नहीं थे। एंड दोस्तों अगर मार्केट एनालिसिस किया जाए तो कुछ ही सालों के अंदर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टोटल में से 25% शेयर तो सिर्फ जीप ने हासिल कर रखी थी। दोस्तों महिंद्रा ने 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्सन को बनाती रही। इसके हर एक के बाद एक नया वर्सन भारत पे तड़का मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों 19 के दौर आते आते इस सेगमेंट की फिर से डाउनफॉल होना शुरू हो गई थी। जब महिंद्रा ने अर्ली 2000 में बुलेरो स्कॉर्पियो जैसे कार्स का भारत में पहली बार लॉन्च किए थे, तब ये दो सेगमेंट के सामने जीप बहुत आउटडेटेड लगने लगी थी। और दूसरा रीजन ये भी था बुलेरो एंड स्कॉर्पियो कॉम्प्लीट व्हीकल थी, बेसिकली ये ऑफरोडिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती थी एंड लुक्स के मामले में बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी हुआ करता था। एंड इसके अलावा बहुत ही बड़ा एंड साथ ही साथ लग्जरियस SUV उन टाइम में हुआ करती थी। इन्हीं सब कारण चलते हुए स्कॉर्पियो और बुलेरो को ज्यादातर पसंद किया जाने लगा एंड अब जीप की उस पॉपुलरिटी ना रही जो पहले हुआ करता था, यानी कि 16, 17 और 19 के दशक में हुआ करती थी, वो अब नहीं रही। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी जो कि कई दशक से चलते चले हुए जीप के एक लॉयल कस्टमर हुआ करता था, वो भी जीप को छोड़कर मारुति जीप से कोई प्रेफर करने लगी थी। हालांकि महिंद्रा बहुत बड़ा कंपनी थे, आज भी है एंड फ्यूचर में भी रहेगा, फिर भी उनका जीप सेगमेंट का डाउनफॉल कहीं ना कहीं महिंद्रा के लिए एक बड़ा झटका था। एंड इसी कारण चलते महिंद्रा को ऐसे एक सेगमेंट की बेहद जरूरत थी जो कर इस जीप का नीड को फुलफिल कर सके। एंड साल 2010 में अक्टूबर मंथ में महिंद्रा कंपनी ने अपने पहला थार एडिशन का भारत में पहली बार लॉन्च किए थे एंड ये सेगमेंट जीप को कई हद तक रिप्लेस करने में सक्षम रहे। बेसिकली थार स्कॉर्पियो CJ एंड मेजर का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन था। हालांकि लॉन्च होते ही सबके मन पे अपना एक अलग अपीयरेंस रखते हुए भी उतना ज्यादा पैमाने पर ये सेगमेंट साबित नहीं हो सकी जितना ज्यादा महिंद्रा ने एक्सपेक्ट करी थी। इसी कारण चलते हुए साल 2020 में इसका जो फर्स्ट एडिशन उन्होंने 2010 में लॉन्च किया था उसको बंद कर दिया। फिर दोस्तों अक्टूबर 2020 में इसका सेकंड जनरेशन को दोबारा से इंडियन मार्केट में लॉन्च करी थी महिंद्रा ने, जहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस भी कर गई है। इंजन में भी पहले से ज्यादा मोर पावरफुल था एंड लुक्स में मामले भी पहले से ज्यादा बहुत ही ज्यादा चेंजेस भी कर गई थी। एंड देखते देखते एक सालों के अंदर भारत में सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग ऑफरोडिंग कार बन गई। हालांकि एक साल तक इसका वेटिंग पीरियड भी चल रही थी। खैर जो भी हो, थार को फाइनली आप अपना पहचान जो उसको मिलना चाहिए था वो तो अब मिल चुका है। बट दोस्तों मेरे को अभी भी अपना पहचान नहीं मिली है, पता नहीं शायद मिलेगा भी या नहीं। दोस्तों अगर आप मेरे पहचान को देखना चाहते हो तो ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय।